तो आप सभी के लिए बड़ी खबर, खुशखबरी, मोदी सरकार ने भेजे इन जनधन खाते में 5,000 रुपए। जी हाँ, अगर आपका भी जनधन खाता है तब आपको सरकार की तरफ से 5,000 रुपए दिए जाएंगे। मोदी सरकार ने अभी अभी एक बड़ा फैसला लिया है कि इन जनधन खाते में 5,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे किन किन जनधन खाते में 5,000 रुपए ट्रांसफर होंगे और कैसे होंगे, किन किन 1,000 रुपए दिए जाएंगे। इस वीडियो में आगे आपको फुल डिटेल के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले आप कमेंट में बताओ कि आपका जनधन खाता है या नहीं, आपने अभी तक जनधन खाता खुलवाया है या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताओ। तो चलिए आपको बताते हैं किन किन जनधन खाते में 5,000 रुपए। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए आपको बता दें दोस्तों, आपका भेज रही जनधन खाते में पैसे निकालने से पहले, जी हाँ, अगर आपका भी बैलेंस, आपका भी जनधन खाते में पैसे आए हैं तब आपको कैसे चेक करना है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएं। आप जनधन खाते में पैसा निकालने के से पहले बैलेंस कन्फर्म करना चाहते हैं तो ये तो आपको बता दें, कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में जहाँ डेली वर्क का नाम तमाम मुसीबत का सामना पड़ रहा है, वहाँ पर सरकार ने महिलाओं के जनधन खाते में 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, यानी कल से ही इससे खाता नंबर के हिसाब से निकालने की सुविधा भी दी जाएगी। अगर आप भी जनधन खाता धारक हैं तो आप ब्रांच में जाके सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आपके बैंक खाते में पैसे आए नहीं। इसका बेहद आसान उपाय है, आप दो आसानी तरीके से ये पता लगा सकते हो खाते में पैसे आए या नहीं। इसके अलावा बैंक के ब्रांच पर भी आपको इसका पता नहीं चल सकता, लेकिन बाहर लाइन भी ये पता करना आसान नहीं है। स्टेट बैंक यानी कि SBI ने अपने खातेदारों के लिए मिस कॉल के जरिए बैलेंस पता करने की सुविधा दी है। खाता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है दोस्तों, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें एक नंबर देंगे, वहाँ पे आप सकते हो अपना बैंक बैलेंस को अपने रजिस्ट्रेशन फ़ोन नंबर से इस नंबर पर कॉल करना होगा। इसके अलावा खाताधारक अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर से कॉल करके यह भी जानकारी ले सकते हैं। अलग अलग बैंक के हिसाब से ये नंबर दिया गया है। जी हाँ, इस नंबर की जानकारी अलग अलग बैंक में अपने पासबुक में देते हैं।